एवरीवन, वेलकम टू प्लस ऑफ सो हैप्पीनेस। हैप्पी संडे। आज है संडे और इधर देखिए एक जो बच्ची है कितना संडे को एंजॉय कर रही है। सुबह से दो घंटा हो गया आई थिंक मोबाइल को ही देख रही, नहीं मोबाइल पहले देख रही थी, उसके बाद टीवी हो गया, डांस हो गया और अभी थोड़ा सा मोबाइल। मोबाइल रखो, मोबाइल में वो क्या करती है, ये जो मेरा पुराना वाला है तो इसमें ना बहुत सारा गेम्स कुछ डाउनलोड करके रखा है, वो बहुत अच्छे से गेम खेलती है। तो जहाँ पर भी मैं जाती हूँ अगर इंटरनेट वगैरह नहीं होता है तो वो मोबाइल काम आ जाता है हम लोगों का। तो लंच का टाइम हो रही है, आज लंच मैंने बहुत कुछ बना लिया है क्योंकि टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, वो डिटेल्स मैंने आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर बनाया है सेवई की खीर, राइस है और ये है चिकन करी और थोड़ा सा चिकन है। हम लोग एक्चुअली फ्राइडे पे बाहर से चिकन कुछ लाए थे ग्रिल वगैरह, तो वो दो तीन पीस है। बिरयानी मैंने बनाया था, बिरयानी भी थोड़ा सा है, तो ये सब हम लोग मिला के खा लेंगे। एक्चुअली कल खाना नहीं हुआ, सैटरडे पर हम लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसकी वजह से। तो ये सब मैं निकाल के गर्म कर दूंगी ओवन में, उसके बाद हम लोगों का लंच हो जाएगा। देखो आज का बेंगलोर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, इतना जोर जोर से बारिश और उसके साथ हवा भी चल रहा है बहुत जोर से। आप अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पर जो कोकोनट ट्री है कैसे वो हिल रहा है देख सकते हैं। मीन्स अराउंड तो ये 60-80 किलोमीटर स्पीड में होगा ही होगा, बहुत जोर जोर से साउंड हो रही है। और एंजल यहाँ पर लगी पड़ी है कि दरवाज़ा बंद कर दो। और ये देखिए मेरा सारा जो जितना भी था वो क्या था, डोरमेट था, वो सब भीग चुका है। मैं बैग निकालने के लिए बिजी हो गई और यहाँ पर बारिश हो गया, उसके अंदर ये भीग गया। और ये रही एंजल जो कि बोल रही है कि डर लग रही है। डर लग रही है क्यों? क्योंकि एक काम था जाने के लिए बाहर, तो वो नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए हाँ, उसको छोड़ दो, छोड़ दो उसको, कितना हवा चल रही है, ये देखो उसको। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, तो हम लोग एक्चुअली कल आफ्टरनून को ही निकल जाएंगे। तो बैग जो था कुछ इस तरह से जो बेड के स्टोरेज के अंदर था तो उसको निकाला, उसको अच्छे से अभी क्लीन करके अभी सारा ड्रेस को यहाँ पर रख रही हूँ। कल रात से ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एंजल का क्या होता है कि छोटा छोटा होता है ना, उसको इस तरह से फोल्ड करके मैं रखती हूँ एक के अंदर एक, तो सेट वाइज जो भी कपड़ा होता है मैं इस तरह से फोल्ड करके अगर रख देती हूँ तो काफ़ी इजी हो जाता है निकालने के लिए और गुम होने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसकी वजह से सारा जितना भी समर के कपड़े एंजल का था, छोटा छोटा कुछ शॉर्ट्स वगैरह, फ्रॉक वगैरह, छोटा जितना भी वो कम्फर्टेबल फील करेगी तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. यहाँ पर शाम का टाइम हो रही है और बाहर
का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ स्नैक्स में बनाते हैं। तो स्नैक्स में सबसे इजीएस्ट वे है ओनियन की पकौड़े। तो यहाँ पर ओनियन के ऊपर मैंने बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स और छोटे छोटे करके जो ग्रीन चिली है उसको चॉप करके भी डाला था, और उसके साथ थोड़ा सा हल्दी, बेसन और राइस फ्लोर भी मैंने डाला था थोड़ा सा क्रिस्पी के लिए। तो यहाँ पर एंजल मुझे हेल्प कर रही थी बट वो अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रही थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, थोड़ा सा मैंने मसाला भी यूज़ किया है जो नॉर्मली सब्जी वगैरह में हम लोग डालते हैं ना सब्जी मसाला, उसको भी थोड़ा सा 2 पिंच करीबन मैंने ऐड किया है। उसके बाद ऑयल में फ्राई कर दूँगी। और बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो स्नैक्स वगैरह का रूटीन ख़त्म हो चुका है। टाइम हो रही है अभी 8 o'clock और यहाँ पर सारा चीज़ें जो है बेड के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है। एंजल का ख़त्म हो चुका है, मिस्टर का भी मैंने रख दिया है और थोड़ा सा उनका बाकी है जैसे कि नाइटवेयर वगैरह ये सब मुझे रखना है। एक्चुअली ये जो प्लान हो रहा है ना ऑलमोस्ट स्लो ये जो प्लान हो रही है ना एक्चुअली 5 to 6 days का प्लान हम लोग कर रहे हैं, बट उससे पहले अगर काम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग आ जाएंगे। वो क्या काम है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी तक वो काम जो है वो थोड़ा सा पेंडिंग है। तो हो जाने के बाद आराम से मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं मेरा पैकिंग कर रही थी, तो समर के लिए मैंने बहुत सारा चीज़ें जो है अमेजन से ऑर्डर किया है। अभी अमेजन पे सेल चल रहा है, 4 मई से स्टार्ट होगा समर सेल। ऑल ब्यूटी और सारे फैशन पर आपको अप टू 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और काउंटडाउन डील्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 मई से, तो ज़रूर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये एक टॉप में पैक ही कर रही थी, ये नया है, टैग अभी तक लगा हुआ है। तो ये कॉटन का एक स्ट्रिप पैटर्न का है, मीन्स जो लाइन पैटर्न होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये एक स्काई कलर का है और पहनने के बाद ना अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, अगर टॉमी भी थोड़ा सा बाहर है, तो अगर इस तरह से आप टॉप कैरी करते हो तो आपको जो बेली एरिया है वो दिखता नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया ये पैटर्न, बट ये थोड़ा सा ना फुल हैंड में है, 3/4 हैंड आप बोल सकते हो, तो बट ये कॉटन का है तो बहुत कंफर्टेबल है। तो ये एक मैं कैरी करने वाली हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक माई होस्टर वाला भी लिंक रहेगा, आप वो लिंक के थ्रू जाकर जो जो प्रोडक्ट मैं आज दिखाने वाली हूँ वो सारा आपको मिल जाएगा। और भी मैं एक पैक करने वाली हूँ, एक ट्रेडिशनल वेयर, जो कि अगर वहाँ पर पॉसिबल होता है मंदिर जाना होता है तो मैं मंदिर भी जा सकती हूँ। तो ये मैंने ट्रेडिशनल वेयर लिया है, ये कुर्ता प्लाजो दुपट्टा के सेट में आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर है, इसका जो ये फ्रंट है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे सुंदर लगा। और ये गोल्डन थ्रेड में सिक्वेंस का काम किया गया है, जो कलर है वो पर्पल कलर में है। और ये एक्चुअली मैंने एक्सचेंज करके फिर XL साइज में मंगाया है, क्योंकि मैंने L साइज एक्चुअली नॉर्मली कैरी करती हूँ और कभी कभी कुछ कुछ ब्रांड का M साइज भी हो जाता है, बट नॉर्मली मेरा L ही रहता है। बट इसका क्या हुआ, L साइज में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बहुत टाइट लग रही थी, तो मैंने एक्सचेंज करके इसको XL में ले लिया है। तो ये था कुर्ता, और उसके साथ आपको दुपट्टा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये एक
पॉलिस्टर और सिल्क मटेरियल मिक्स करके ये दुपट्टा है और इसमें ना गोल्ड कलर का इस तरह से लाइनिंग दिया गया है, टेसल यहाँ पर वर्क है, तो आप की मर्जी, आप अगर वन साइड डालते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। उसके बाद आते हैं प्लाजो पर। प्लाजो आपको इस तरह से मिलता है ये ग्रे कलर में, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना पर्पल और ग्रे का, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसके साथ आपको इलास्टिक मिलता है यहाँ पर वेस्ट एरिया में, और ये जो पैंट है ना ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर गोटा पत्ती का काम किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये था मेरा ड्रेस, और मेरे लिए तो मैंने दो कॉटन का कुछ चीज़ें ऑर्डर किया था और मिस्टर के लिए भी किया था टी शर्ट, तो ये एक उनके लिए पैक कर रही हूँ। इसका भी टैग अभी तक है, टैग निकाल के मैं पैक कर दूँगी। तो ये एक टी शर्ट है, ये काफ़ी हल्का है और उसका प्राइस भी बहुत कम था, तो ये एक है। और ये एक और एक है, ये जो ब्रांड है ना ये अमेरिकन क्रू का है, और ये जो ब्रांड है ये ऑस्टिन वुड कुछ है। तो दोनों का ब्रांड अलग है और दोनों का साइज़ भी अलग है। इसका साइज़ है L और इसका साइज़ जो है वो है XL। तो ये जो L साइज़ का टी शर्ट है ना ये उनको भी बहुत लूज़ हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अभी गर्मी में क्या होता है कि फिटिंग तो पहनना पॉसिबल नहीं है। मैं ये टॉप को अभी देखिए पहनी हूँ बट कितना ज़्यादा लूज है, तो इस तरह से ही होता है, लूज थोड़ा सा पहनने से अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और हम लोग जो जगह पर जा रहे हैं ना वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ढीला ढीला ही लेना पसंद कर रही हूँ। पर मैं और एक चीज़ जो है वो लेती हूँ, वो है ये मामाअर्थ का परफ्यूम। ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। बहुत अच्छा उसका फ्रेग्रेंस है, और ये जो परफ्यूम है इस तरह से है, अगर आपकी स्किन ऑयल के साथ ये कंबाइंड होता है ना ये एक अलग ही फ्रेग्रेंस रिलीज करता है, तो इसलिए ये मैंने रखना भूल गई थी, तो बातों में अभी याद आ चुका है, तो इसको मैं पैक कर दूंगी अभी। तो चलिए जल्दी से फटाफट से पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ दिखाऊंगी फाइनली मैंने किस तरह से पैकिंग किया। तो यहाँ पर देखिए पूरा पैकिंग हो चुका है मेरा, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पर जितना भी सारा हम लोगों का कपड़ा वगैरह था वो सब ये ट्रॉली में आ चुका है, और सारे जो इनर वेयर को और एक्स्ट्रा मास्क कुछ कैरी कर रही हूँ उसको मैंने रैप करके रखा है। ये एंजल की कुछ स्नैक्स है जो कि आगे जाके बहुत मुझे काम आएगी। खाने पीने का चीज़ जो है मैं अलग रख रही हूँ, और सारे जो जितना भी एसेंशियल चीज़ें जैसे कि ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, उसके साथ जो भी टॉयलेटरी सारा सामान है उसको इस तरह से एक एक पाउच में करके रख रही हूँ ताकि निकालने के लिए आसानी होगा। ये एंजल के रही मेडिसिन, सारे मेडिसिन को मैंने इस तरह से करके रखती हूँ। तो चलिए ये व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या काम है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।